जहां तक बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1887 में आया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? हेनरी हर्ट्ज बताए थे। इस बारे में कल मैंने बताया था, लेकिन हेनरी हर्ट्ज सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किए, लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरी बातों का जानकारी नहीं दे पाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक तरीके से हेनरी हर्ट्ज के लिए एक तरीके से देखा जाए ड्रॉबैक के तौर पर रह गया। उसके बाद ना अल्बर्ट आइंस्टीन आए। अल्बर्ट आइंस्टीन ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बारीकी से स्टडी किए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक कॉन्सेप्ट दिए, जिसको आज हम लोग जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं ना, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में जो दिया वो किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का है। जैसे 11th के सिलेबस में अगर तुम प्लैनेटरी मोशन पढ़ते हो तो किसका पढ़ते हो? न्यूटन का पढ़ते हो। कैपलर्स का तो नहीं पढ़ते हो, कैपलर्स का पढ़ते हो बस एज ए हिस्ट्री के तौर पे पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, बेसिकली किसका पढ़ते हो? कंसेप्ट के तौर पे न्यूटन का पढ़ते हो। तो अब जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे वो हेनरी हर्ट्ज का नहीं पढ़ेंगे, वो किसका पढ़ेंगे बोलो? अल्बर्ट आइंस्टीन का पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ना एक डायग्राम समझाते हैं। बेसिकली एक सिस्टम तैयार किया, लेफ्ट साइड में पॉजिटिवली डिटेक्टर है, ठीक है, राइट साइड में क्या है, अल्कली मेटल का एक रॉड तैयार कर लिए, एक शीट तैयार कर लिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो ये जो तुम डिटेक्टर देख रहे हो, ये डिटेक्टर जो है ना आपको कनेक्ट है किससे? गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट है? और देखिए अब बीच में ना आपको कोई बैटरी नहीं है और कोई स्विच नहीं है, ये पूरा सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बीच में कोई बैटरी और स्विच नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो क्या एक सेटअप तैयार किया, ये हो गया मेरा डिटेक्टर और ये क्या हो गया? अल्कली मेटल का एक प्लेट। डिटेक्टर किससे कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर से। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन क्या किए? अल्बर्ट आइंस्टीन ना इस अल्कली मेटल पर फोटोन से स्ट्राइक किए। किससे स्ट्राइक किए? फोटोन से। तो फोटोन का मतलब क्या हो गया? लाइट हो गया, जो कि लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं ना। तो जैसे ही लाइट मतलब स्ट्राइकिंग फोटोन जब अल्कली मेटल से टकराया ना, तो देखिए क्या कि अरे गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया। गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया बोलिए? इधर के तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट उल्टा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो कितना अजीब बात है, अल्कली मेटल पे क्या पड़ा? केवल लाइट। और लाइट पड़ने पर, लाइट महा मतलब फोटोन पड़ने पर गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया। इसका सीधा मतलब है कि लाइट जैसे ही अल्कली मेटल पे पड़ा, कोई तो ऐसी चीज थी जो अल्कली मेटल से निकली और सर्किट को क्या कर दी? कंप्लीट कर दी। और गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन हुआ तो मतलब इस सर्किट में करंट आना शुरू हो गया। अच्छा गैल्वेनोमीटर किधर गया? इधर की तरफ। मतलब करंट किधर जा रहा होगा? करंट आपको ऐसे जा रहा होगा ना, समझ रहे हो? एक्चुअली जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही लाइट जब अल्कली मेटल पे पड़ा ना, तो अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इजेक्ट हो गया। क्या हो गया? इजेक्ट का मतलब अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। एक छोटा सा एग्जांपल है समझाते हैं। क्या करो, एक पत्थर ले लो, कल भी इस चीज को बता रहे थे, पत्थर को क्या करो? दीवार पे मारो। तो जब आप उस पत्थर को दीवार पे मारोगे ना, तो क्या होगा? कुछ थोड़ा सा सीमेंट, थोड़ा सा बालू दीवार में से झरझर के क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे ही अल्कली मेटल पे लाइट पड़ा, अल्कली मेटल से क्या निकलना शुरू हो गया बोलिए? बोलिए, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। क्या निकलना शुरू हो गया? अब देखो ना, इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल से मतलब नेगेटिव प्लेट से किधर आएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। वैसे भी इलेक्ट्रॉन ना नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव अल्कली मेटल से आ रहा डिटेक्टर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन तो इस पूरे वायर में मूव करेगा, और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? करंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा मेरा इस डायरेक्शन में, तो करंट किधर जाएगा? उसके अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? बिल्कुल ही अपोजिट होता है। मेरा बात समझ में आया? तो एक बात बताओ, यहां पर इस पूरे वायर में, इस पूरे सर्किट में जो करंट का फॉर्मेशन हुआ किसके वजह से? लाइट के वजह से ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फेनोमेनन इन विच फॉर्मेशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट। समझ में आया? स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? टकराना। लाइट के टकराने से अल्कली मेटल से क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन। क्या निकल गया? और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से किसका फॉर्मेशन हुआ बोलिए? करंट का। समझ में आया? इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? तो लिखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन एज स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन ऑन द अल्कली मेटल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन।
तो आप क्या लिखे हो, स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन टू द अल्कली मेटल एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म करेंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? अब देखो एक बार यहां पर मेरा एक एग्जाम्पल देख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखो जैसे कि ना जो फोटॉन्स है, जो लाइट है, वो पड़ा किस पे, बोलो, अल्कली मेटल पर। अल्कली मेटल पे लाइट पड़ने के बाद, फोटॉन्स पड़ने के बाद, अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बोलिए, इजेक्ट हुआ। इजेक्ट का मतलब क्या हो गया, बोलो, बाहर निकलना। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, तो इलेक्ट्रॉन मूव किया ना, तो इलेक्ट्रॉन के मूव से क्या हुआ, करंट का फॉर्मेशन हुआ। इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंडिकेट्स दैट लाइट हैव पार्टिकल नेचर एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको क्या बताएगा, लाइट और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। क्योंकि एक पार्टिकल ही दूसरे पार्टिकल को धक्का देगा ना। समझ गए ना मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोले, फोटो इलेक्ट्रिक ऐसा ही नहीं हो जाएगा कि किसी भी चीज को लाइट पे रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन खट से क्या होगा उसमें से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कुछ क्या है, बोलिए, कुछ कंडीशन है। समझ में आया? जैसे मान के चलिए ये कोई अल्कली मेटल है, ये क्या है मेरा, ये कोई अल्कली मेटल है। हम सपोज करते हैं कि ये क्या है, कोई मेरा, बोलो, अल्कली मेटल है। तो अब इस अल्कली मेटल पर लाइट पड़ा, इस अल्कली मेटल पर क्या पड़ा, लाइट पड़ा। तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइट पड़ते मात्र इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ना चाहिए। क्या पड़ना चाहिए? अब जैसे सपोज डैट कि हम यहां पर बैठे हुए हैं और एक कोई बच्चा अगर हमको धक्का दे रहा है तो हम यहां पे से निकल जाएंगे क्या? नहीं ना। लेकिन मान गए लो हम यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक भारी भरकम आदमी आकर के हमको धक्का दिया, तो जाहिर सी बात है कि हम यहां पर से क्या होंगे, गिर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक ट्रक कहीं पर लगा हुआ है, उस ट्रक को एक मोटरसाइकिल क्या धक्का देकर के आगे निकाल सकता है क्या? लेकिन एक ट्रक को ट्रेन आसानी से क्या हो सकता है, धक्का देकर के आगे भगा सकता है। इसका मतलब किसी भी चीज को निकालने के लिए ना उससे ज्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज तो जानते हो। तो अब ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये नहीं कि कुछ भी लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। आइंस्टीन बोले कि ऐसा मूर्ख वाला काम नहीं करना। आइंस्टीन बोले कि हर एक मेटल के लिए क्या, हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट होता है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का आप लाइट दोगे ना, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। मेरी बात समझ गए ना हम क्या बताएं? अगर तुमको अपने घर में से किसी को बाहर निकालना है, कोई आदमी तुम्हारा बात नहीं मान रहा है, तो तुम लाख उसको बोलोगे वो तुम्हारे घर से निकलेगा नहीं ना। और सपोज दैट तुम्हारे घर, तुम्हारे मोहल्ले में कोई गुंडा रहता था, तुम उसको जाकर के सारा बात बताए, उसका शक्ल देखते मात्र तुम्हारे घर में वो आदमी क्या होगा, भाग जाएगा। तो पावर, पावर की बात है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोले कि मान के चलिए कि लाइट का क्या, सपोज डैट मान लेते हैं कि लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, सपोज डैट लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू है। लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, अरे फ्रीक्वेंसी को तो न्यू से दिखाते हैं ना। और सपोज डैट कि ये जो मेटल है ना, इस मेटल का फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। मेटल का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब न्यू इज ग्रेटर देन होगा किससे, न्यू नॉट के। समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब लाइट का फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगा, बोलो, मेटल के फ्रीक्वेंसी से। एक्चुअली मेटल, हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है लाइट के फ्रीक्वेंसी के लिए, समझ रहे हो ना, जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया मेरी बात तारे? अगर तुम पोटेशियम को 4.3 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दोगे ना, अगर तुम पोटेशियम मेटल को 4.3 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दोगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको 5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज का क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? देखो हम इस चीज को समझाते। तो अब देखो एनसीईआरटी बुक में ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो चाहिए किसी भी मेटल को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। समझ में आया? तो अगर मान के चलो लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, और मेटल का फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट। तो अगर मान के चलो लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको दिखेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको पीईई लिख सकते हैं, इस सीन, इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग को कब दिखेगा, जब लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। समझ में आया? इसको जल्दी लिखिए।
टीई